और अब कुछ खुशखबरियां। इस बार सदर जरदारी बैरून मुल्क के दौरे पर सिर्फ 4 रोज के लिए गए हैं। हुकूमत दिसंबर तक बिजली का बहरान खत्म कर देगी, क्योंकि तब तक वैसे ही बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा। और 250 अरब के किराए के बिजली घर भी आ रहे हैं। किराए के सफारतकारी के बाद देखते हैं कि ये तजर्बा कैसा रहता है। कामयाबी की सूरत में हुकूमत बहुत सारे शोबों में किराए की चीजें हासिल कर सकती है। जैसे किसी महकमे का वजीर अगर ना अहल हुआ तो किराए का वजीर हासिल कर लिया। शैतानी आला किसने रख दिया आज यहाँ पर? अरे लो, ये तो बच बच के दिमाग ही खा रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। अरे इधर से भी मैं ही बोल रही हूँ। शुमाइला राना। अरे बच्चे शुमाइला, अरे भाई लड़के तुम्हारे तो बहुत चर्चे हैं। पर्चे नहीं चर्चे, पर्चे तो अभी तक 2 ही हुए। एक में तो तुमने अपनी जमानत भी करवा ली है, एक क्रेडिट कार्ड का पर्चा और दूसरा 10 मरले के मकान पर कब्जे का। अब तो तुमने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मैं तो खुदा लगती कहूंगी भाई, माशाल्लाह छोटी सी उम्र में बहुत बदनामी कमा ली। और बताओ, आपो आपी को फोन किया, अब परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे दुश्मन भाई क्यों रो रही हो? अब तो मामला ही खत्म हो गया। मैं तो अभी इलेक्शन ही नहीं लड़ी थी, वाजान साद रफीक ने मुझे मरवा दिया। अरे उसने तो अपनी तरफ से नेकी की थी, उसे क्या पता था कई दिन देखना पड़ेंगे। भाई मैं तो कहूँ ना, ये सारा मोए गोरे का क्या धरा है, ना कैमरे रात करता, ना आवाज महफूज करने के आले बने होते, ना मेरी मासूम बच्ची पकड़ी जाती। हमारा जमाना अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी अब मैं क्या करूं? सबर कर मेरी बच्ची, सबर कर। मैं तो कहूंगी कुछ दिन खामोशी से गुजार दे। आप वो अभी को तुमने पहले फोन किया होता तो अब तक ये मामला खत्म हो चुका होता। नहीं, अमर काने असेंबली में 4 खातून मेंबरों ने ये भी कह दिया कि उनके मोबाइल और पैसे उनके पर्स से निकाले गए हैं असेंबली में। मुझे शक है इसका इल्जाम भी मेरे पर ही लगा देंगे। ये फिकर की बात है। अरे सुन, तुमने स्पीकर से बात की? अरे वो भी तो अपना राना है ना। अब वो असेंबली के कैमरे की फिल्में देख रहे हैं। अरे तो उन्हें ले जाना था ना सिनेमा फिल्में दिखाने के लिए, लेकिन हाँ भाई वो फिल्में इतनी मजेदार नहीं होती जितनी असेंबली की कार्रवाई होती है। लड़की सुन भाई, मैं तो तुम्हें कहूंगी कि मेरे भतीजे मुशर्रफ वाला तरीका आजमा, लंदन का टिकट कटा के बैठ जा, जाके वहां मजे से। मेरा छोटा भतीजा शौकत अजीज भी तो वहीं पर है ना। हाँ, अरे बेटा अल्ताफ भी तो वहीं है। सुन लो, यहाँ पर जो होगी वो देखी जाएगी, लेकिन याद रखना लड़की, इस मरतबा अपना टिकट अपने जाती क्रेडिट कार्ड से ही खरीदियो, किसी और का कार्ड ना इस्तेमाल कर बैठियो कि जाने से पहले ही पकड़े जाए। अरे नादान बच्ची तो नादान ही तो है जो पकड़े गए, वरना बताओ भला आज तक कोई और पकड़ा गया है भला? चल ठीक है, पल्ले से बांध लो ये बात, रखती हूँ। सदर ओबामा को उन 11.5 अरब डॉलर्स का बहुत अफसोस है जो उसने सदर मुशर्रफ की हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिए थे। इसलिए अब पाकिस्तान में तालीम और सेहत के लिए अमरीकी इमदाद खर्च करने के लिए उनको ईमानदार पाकिस्तानी वुजरा की तलाश है। जी अली जान, सदर ओबामा भी ना कौन सी चीज कहाँ ढूंढ रहे हैं।
दो जी, अब तो बिल्कुल कोई फिक्र की बात है, अभी कभी बेहोश नहीं होगा। हुसैन नवाज, तुम्हें कुछ याद है कि तुम क्यों बेहोश हुए थे? मैं अपने फोन से मैसेज कर रहा था कि खबरों में न्यूज कास्टर ने बताया कि जरदारी साहब के खिलाफ मैसेज करने पे 14 साल सजा होगी। मैम, तब तक मैं मैसेज कर चुका था। मुझे बचा ले मैम। लेकिन मैसेज टोन आने पर तुम बेहोश क्यों हो जाते हो? हाँ, बताओ, फिक्र की कोई बात नहीं। मुझे पता है, उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया है और अब मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि बच्चू पकड़े गए ना। मगर किसी का मैसेज आने पर तो कोई सजा नहीं है? शायद नहीं मैम, मगर तुम कह देना कि तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आते हैं जाते नहीं। भाई, हमारे हुक्मरानों की तरह उन्हें भी तो भेजा जाता है ना, जाता कौन है यहाँ से? आप गए ना डॉक्टर साहब, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन मेरा इनबॉक्स इस तरह के मैसेजेस से भरा पड़ा है। मैम, मैसेज पर 14 साल कैद की सजा, यानी उम्र कैद, अजीब बात नहीं? देख लीजिएगा आप लोग, अब ये मैसेजेस पे पाबंदी लगाई है ना, तो हंगामे और बढ़ जाएंगे। लेकिन हंगामों का मैसेजेस पर पाबंदी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना, मैं और मेरी तरह के और लोग इसी तरह के मैसेज वैसेज भेज के अपने दिल का उबार निकाल लिया करते थे। सबको भी आके निकलेगा। सोचा था कि रहमान मलिक साहब एक कंटेनर वायरस बनवाते, वो लोगों के फोनों में जाके इस तरह के मैसेज खुद ही पढ़ के खुद ही डिलीट कर देता। मैंने 14 साल जेल नहीं जाना। मैं छोटे छोटे बच्चे अभी हुए ही नहीं। आप ये करें, ये फोन ले जाके ना इसको कहीं फेंक दें। हाँ, फेंक दे, फिक्र की कोई बात नहीं। अरे मामा।